मैं राजगीर में आई और यहाँ पे काम करने का निर्णय किया और यहाँ जब लोगों को मैंने आसपास में देखा और उन विशेष करके उन बुज़ुर्गों को देखा, उनके उपेक्षित जीवन को देखा, तो मुझे उसी समय से लगा कि यहाँ पे अगर ये नेत्र चिकित्सा का काम, चूँकि वृद्ध हो, काम न करते हो और आँखों से दिखाई भी न दे, तब उनकी जो पराधीनता और परेशानी है वो मेरे मन को छू जाती और मुझे से लगता कि इन लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए। और वहीं से नेत्र यज्ञ का काम प्रारंभ किया। उसी नेत्र यज्ञ का आज ये जो एक समाज की गांव के लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक आश्रय स्थान बन गया है, आशीर्वाद स्वरूप बन गया है। यह न किसी बाह्य किसी प्रलोभन से, किसी प्रतिष्ठा के लिए, किसी नाम के लिए और या किसी बाह्य भौतिक साधनों के लिए, न कहीं धर्म परिवर्तन के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी विचार न होते हुए, केवल उनके जीवन की कहीं एक जो ज़रूरत है उसको अगर यह संस्थान पूरा कर सके और उसके साथ ही उनके जीवन की खुशियां आए, बस वही मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य रहा। और इसी दृष्टि से पिछले जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से यहाँ पे 52 से एक संन्यास मार्ग के बाद में चलने के बाद में इसी सेवा पर चलते चलते, इसी मार्ग पर चलते चलते जब मैं राजगीर में आई 73 में, तब से नेत्र यज्ञ और फिर यहाँ हॉस्पिटल और इसके माध्यम से लाखों लोगों की आँखों की जो चिकित्सा और ऑपरेशन, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी एक खुशी है। और मैं चाहती हूँ कि बिहार, कम से कम बिहार, ये भगवान की भूमि का बिहार, ये तीर्थंकरों की पावन धरती, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि जिसको देख सकता है केवल एक शारीरिक कुछ वीकनेस के कारण उसे दिखाई न दे, ऐसे व्यक्तियों को यह संस्थान उनकी आँखों को रोशनी दे सके और बिहार को अंधमुक्त बिहार कर सके, बस इसी दृष्टि से यहाँ पे काम हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि अनगिनत लोग इसके सहयोगी हैं और उन सब लोगों के सहयोग के कारण ही इन लोगों को प्रेम और सम्मान के साथ में, और यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के स्वयंसेवी लोग, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के काम करने वाले लोग, वे सब के सब लोग अत्यंत प्रेम सद्भाव, अपने परिवार के लोगों की ही जैसे जितने सम्मान से सेवा करते हैं उसी प्रकार की सेवा करते रहे, यही मेरी प्रार्थना है, अपेक्षा आकांक्षा है, इच्छा है। और उनके साथ एक शब्द से भी कोई भी अनादर करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं मुझे सह नहीं पाती हूँ। और जब जब मैंने गरीब लोगों को देखा है और ऐसे साधनहीन परिस्थिति में उन लोगों को मैंने देखा है, तो मुझे हमेशा पीड़ा हुई है कि और तो और, लेकिन लोग जब उनके साथ में एक उपेक्षा का व्यवहार करते हैं तो मेरी पीड़ा का अंत नहीं होता, मैं किसी की उपेक्षा सह नहीं पाती हूँ। और ये सेवा अत्यंत प्रेम और सम्मान से हो, बस यही मेरी इच्छा है। और बिहार अंधमुक्त हो, बस प्रभु ने चक्षुभूये, वो चक्षुभूत है, जो भक्त है वह भी चक्षुभूत है, वह आँख देने वाला है, चक्षु के समान है। तो ये विरायतन लोगों के आँख देने में कभी भी अपनी योग्यता को कभी भी कम न होने दे, बस यही विरायतन के कार्यकर्ताओं से भी अपेक्षा है। धन्यवाद। Thank you.
लोगों के बीच में उनको प्रेरित करना, उनकी स्वयं की चिकित्सा के लिए एम्पावर करना कि नहीं, आपको अच्छी सेवा दी जाएगी, आपका अच्छा इलाज किया जाएगा, पूर्ण गुणवत्ता के साथ किया जाएगा। और इसी मोटो के साथ में जो वीरायतन इसमें लगा हुआ है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूँ, हृदय से इसकी प्रशंसा करता हूँ। गगन में जो माता जी आए हैं सेवा के लिए और सबों को जो सेवा दे रहे हैं, हम लोग बहुत उनका आभारी हैं, बहुत धन्यवाद। बढ़िया झलक रहा है, ठीक लग रहा है। माता जी हमको दिए चश्मा, भीड़ का रोशनी भाग गया तो झलक रहा, बढ़िया ठीक लग रहा है।